अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। किसी ने दुंदार को मारने की कोशिश की है। क्या कह रहे सरदार? और ये आग भी दुंदार ने ही लगाई थी। कबीले को बड़ी तबाही से बचा लिया उसने। अब हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं कुर्दोगलू। या तो हम कामयाब हो जाएंगे या हमारी लाशें चील कव्वों की गजा बन जाएंगी। हो सकता है कि दुंदार पूरी जिंदगी होश में ना आ सके। हाय मां बहन, आज से मैं तुम्हें यहूदा कहकर मुखातिब करूंगा। यहां अब तुम्हें यहूदा पुकारा जाएगा। यहूदा, यकीन नहीं आ रहा, लेकिन यही किस्मत है अलीमा सुल्तान। ये दुनिया बहुत छोटी है। तुम यहां क्या लेने आए हो कारातोईकर? मैं तुम्हें अल अजीज की दुल्हन बनने से बचाने के लिए आया हूं। इस महल में मैं तुम्हारा दोस्त हूं अलीमा। तुम सिर्फ एक जालिम और कातिल हो सकते हो कारातोईकर। खुशामदी टाइटस। ताजा सूरत हाल के मुताबिक मेरा फौरन हलब जाना जरूरी है। अफ्तालिया का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अगर उसकी असलियत सामने आ गई तो हलब हमारे हाथ से निकल जाएगा। मुझे तुम पर हमेशा से फख्र रहा है। काई कबीले में तुम्हारा दाखिल होना काबिल तारीफ है। कार्डिनल ने पापा आजम और बादशाह फ्रेडरिक के लिए दस्तावेज तहरीर कर दिए हैं मेरे आका। नहीं, या शायद झूठ बोल रहा है। वो मेरे लिए लोहे के चने साबित हो रहा है। लगता है बहुत जल्द कार्डिनल को भी मेरे भाई जुवानी की तरह उम्र भर के लिए कैद खाने में रखकर सबक सिखाना पड़ेगा। समझ गए ना तुम? टाइटस, तुम जाते हुए अल अजीज के लिए मेरी तरफ से तैयार करता एक तोहफा जरूर लेकर जाना। तारीख की सबसे खूनी शादी मुनक्कद हो रही है। काश के ये मंजर मैं अपनी आंखों से देख सकता।
मैं आपकी कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा मेरे आका। मुझे तुम पर यकीन है टाइटस, पूरा यकीन है। तो एकर यहां क्यों आया है? शहजादी हलीमा और आपकी शादी की खबर यकीनन सुल्तान अलाउद्दीन को हो गई होगी, इसीलिए रखना डालने के लिए उन्होंने अपने एक आंख वाले भूत को यहां भेजा है। मेरे आका तैयार रहिए और किसी को मौका ना दीजिए। क्या करना चाहिए नासिर? पहले तो इसे जल्द अज जल्द यहां से रवाना कीजिए और फिर बहुत ही सादगी के साथ शहजादी हलीमा से निकाह कर लीजिए। जश्न बाद में भी हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। ये मेरे जैसे बादशाह को चोरी छुपेने का जेब नहीं देता। मेरे आका, शादी का बखैर और आफियत अंजाम पाना ज्यादा अहम है। तुम्हारा साथ होना बड़ी तसल्ली है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा नासिर। काई कबीले से एलची आया है, इजाजत का मुंतजिर है। अब बस भी कर दो बंसी, ये क्या कर रहे हो? बैठ क्यों नहीं जाते आराम से तुम? ये जितनी भी औरतें हैं ना, सब एक जैसी होती। अरे यार, तुम्हारी माँ भी तो एक औरत है। खबरदार जो और कुछ कहा तो, मैं शहजादी हलीमा की बात कर रहा हूँ। कबीले में देखो कैसी थी वो, और महल में जाते ही फौरन बदल गई। बेवकूफ बना दिया अर्तुरुल भाई को, बेवकूफ। बंसी चुप हो जाओ, भाई सुन लेंगे। अजीब आदमी है। मैं तो उनको आखिरी सांस तक माफ नहीं करूंगा। क्या हो गया है? वो बेचारी मजबूर है। अफसोस हुआ उस लड़की के लिए। क्या नहीं किया तुमने? खुद को, अपने कबीले को, दोस्तों को, सब कुछ दांव पे लगा दिया उसके लिए। यहां तक के हमसे भी टक्कर ले ली तुमने। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? क्या तुम भूल सकते हो शहजादी हलीमा सुल्तान को? ये खुशफहमी कैसे हुई? एक शहजादी तुम जैसे बकरी चराने वाले से शादी करेगी? देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। बस अपना मतलब निकाला है उसने। जैसे ही उसे एक शहजादा मिला, वो तुम्हें छोड़ के चली गई। तुम्हें बुरा लगेगा, मगर जब तुम उसे महल छोड़कर आए तो तुम ये जानते थे कि ऐसा ही होगा। जानते हो तुम, मैं अल अजीज की महबूबा थी और कनीज भी। उसकी हर आदत का इल्म है मुझे। हलीमा बिल्कुल उसके जौक के ऐन मुताबिक है। वो शायरी करता था मेरे लिए। हर रात उसकी बकवास शायरी सुननी पड़ती थी मुझे।
जनाब शहजादी हलीमा बर्दाश्त कर रही होगी। हर ख्वाहिश अलजीज की शहजादी हलीमा की जिम्मेदारी है पूरी तरह। औरत पर आज तक हाथ नहीं उठाया मैंने, क्योंकि ये मुसलमान के शाया निशान नहीं। अल्लाह ऐसी कमजोरी से महफूज रखे मुझे। मगर तुम्हारे लिए हमेशा बद्दुआ ही निकलेगी दिल से, जहन्नुम की आग में जलने की बद्दुआ। कितनी जिंदगियां बर्बाद की है तुमने, हर जिंदगी के बदले एक दायमी अजाब जहन्नुम में मुंतजिर होगा तुम्हारा इंशाल्लाह। सुलेमान शाह के फर्जन गुंदोगदू। तखलिए में मुलाकात की दरख्वास्त की थी मैंने। मेरे बाद नासिर इस शहर का बाख्तियार शख्स है। मैं इस पर अपने जाती मामलात ही नहीं, इंतजामी उमूर के लिए भी मुकम्मल भरोसा करता हूं। और तुम होते कौन हो एतराज करने वाले इसकी मौजूदगी पर? हाँ, जब से काई कबीले को हलप में जगह दी है, मेरे मसाइल में इजाफा हो गया है, और तुम यहां बेशर्मी से खड़े होकर ये बता रहे हो कि मुझे करना क्या है। अफसोस, इसका मतलब है कि आप इन गद्दारों के ही मुस्तहिक हैं अमीर अली कदर। यह अजीम शहर जो आपको अपने दादा सलाहुद्दीन अय्यूबी से विरासत में मिला है, लगता है इसका सौदा कर चुके हैं इन कुफार के साथ। बकवास बंद करो अपनी। मेरे आका, अमीर अली कदर से जो कहना है कहने दीजिए। मुसलमानों का खून बहे बिना अगर यह मामला तय हो सकता है तो यह आपके ईमान और उसूल और ख्वाहिश के मुताबिक होगा। अगरचे मुझे इन बेशर्म और नाशुक्रे लोगों के मुसलमान होने पर भी शक है। नासिर, एक दफा का जिक्र है कि एक सलजूक कमांडर रियासत से गद्दारी का मुर्तकिब हुआ। आखिरी बार उसे मैंने अपने कबीले के आसपास देखा पागल कुत्ते की तरह भौंकते हुए। मुझे डर है तुम्हें तो शायद इसका भी मौका ना मिले। तुम्हारे सारे करतूत बेनकाब होंगे। कैसे तुमने महल को अंदर से खोखला किया? असल में तो तुम सलीबियों के कारिंदे हो। अमीर अली कदर जल्द तुम्हारा मकरू चेहरा देख लेंगे। बस करो, अपनी हद में रहो। तुम एलची बनकर आए हो, वरना अब तक सरतन से जुदा कर दिया जाता। मेरे आका, आप गुफ्तगु फरमाइए, मैं बाहर मुंतजर हूं। झूठी कहानियों से तुम मुझे कायल नहीं कर सकते। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। आपकी एक अस्मा नामी कनीज थी, उसकी हकीकत से आगाह करूं आपको, जिसका असली नाम अफ्तालिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी आया जान की मौजूदगी में उस औरत को पेश करना चाहता हूं। आया जान का इन सबसे क्या ताल्लुक है?
अर्तुरुल के बारे में खबर उन्होंने ही दी थी आपको। वो आपको अपनी औलाद की तरह समझती हैं। अमीर अली कदर, वो तो धोखा नहीं दे सकती कभी भी आपको। उन पर आप यकीनन पूरी तरह एतमाद और भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी और शहजादी लैला की जिंदगी से ज्यादा किसी चीज से गर्ज नहीं। और वो उन तीन अफराद में से एक हैं जिनके बारे में सलीबियों का जासूस होने का कोई सोच भी नहीं सकता। और दूसरे दो कौन हैं? आपकी बहन शहजादी लैला और आप खुद। तुमने कहा अस्मा सब कुछ कबूल कर चुकी है, अगर यहां आकर मुकर गई तो कैसे साबित करोगे? उसके सर की पुश्त पर बालों के नीचे एक पोशीदा निशान है। आप याद करें, एक सलीबी जो आपके महल में अर्तुरुल पर हमलावर हुआ था, उसके सर की पुश्त पर भी ऐसा ही निशान था। चलो लड़कियों, बहुत हो गया। दुल्हन को अकेला छोड़ दो, अब आराम करने दो इसे। हाथ तो अपना, यहां आओ। कितनी खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। अल अजीज मुझे अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यारा है, यकीन करो बहुत खुश रहोगी उसके साथ। तुम उससे मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें। नरम दिल है, समझदार है और औरत की इज्जत करना जानता है। तुम देख लेना, वो अपनी मोहब्बत और रफाकत से तुम्हारा दिल जीत लेगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात पे यकीन करो, खुश रहोगी। कारा तो घर को देखा था मैंने, उसके महल में आने की वजह मालूम है आपको? सलजुक के सुल्तान अलाउद्दीन के कबाद ने दरअसल उसे अपना इल्ची बनाकर भेजा है अलअजीज के पास। लेकिन किस सिलसिले में? तुम्हारी और अलअजीज की शादी के सिलसिले में। सुल्तान इस शादी के खिलाफ है और उसे इस शादी को रोकने के लिए भेजा है। समझ गई। मैं बात को बिला वजह तूल देना कतन मुनासिब नहीं समझता अमीर अली कदर। इसलिए किस्सा मुख्तसर यह है कि अगर आप हमारे शहजादे की साहबजादी हलीमा से शादी करते हैं तो हम ये समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप तुर्कों को बगावत की तरकीब दे रहे हैं अमीर अली कदर। क्या हम इसको धमकी समझें कारा तोयगर? धमकी तो बहुत छोटा सा लफ्ज है कमांडर नासिर। हमारे सुल्तान इज्जत माब अलाउद्दीन के को बाद धमकी नहीं देते बल्कि कर गुजरते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन और हमारे दरमियान कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि हम दोनों आमने सामने ना हो। सरहदों पर महाजराई मामूल बन चुकी है। अब दोनों अफवाज के दरमियान तसादम हुए बिना कोई दिन नहीं गुजरता। ठीक कहा आपने अमीर अली कदर।
लेकिन ये आप भी बखूबी जानते हैं कि ये मामलात दो रियासतों की अफवाज के माबहन पंजा आजमाई से ज्यादा कुछ नहीं। मगर ये शादी ना तो सरहदी खिलाफ वर्जी है और ना ही मामूली पंजा आजमाई, क्योंकि ये हमारे लिए खुला ऐलान जंग है। जिंदान में खुशामदीद कहते हैं तुम्हें, यहां अपनी मौत की भीख मांगोगे तुम। चलो के जिंदान में अपनी मौत की भीख मांगूंगा मैं। हां तारा, तुम्हारी बहन की मौत का अफसोस है, उसकी खुदकुशी ने हमारे दिल चीर डाले हैं। अल्फाज नहीं है मेरे पास। खुदकुशी नहीं कर सकती मेरी बहन। क्या मतलब है तुम्हारा? वो कैसे मरी? क्या तुम कुछ और जानती हो इज़ादोरा? तुम उसे पसंद करते थे ना? मक्तूब भरे होते थे तुम्हारे जिक्र से। वो बहुत पसंद करती थी तुम्हें। अगर तुम चाहो तो इनमें से किसी की भी तलवार ले सकते हो। अपने ही भाई हैं ये सारे।
और ये मेरा कमरा है यहूदा, जहां मैं अपने चापासों से मिलता हूं, और मेरी चुनी हुई किताबें भी इसी कमरे में मौजूद हैं, जो बहुत खास है। इज़ादोरा, मेरी प्यारी अजीज भतीजी, अपने जाबाज से मिलवाता हूं तुम्हें यहूदा। कुछ दिनों के लिए नन्हे शहजादे की जगह यहूदा होगा तुम्हारे साथ। मैं चाहता हूं कि तुम इसका ख्याल रखो और इसे वो सब कुछ सिखाओ जो इसके लिए जरूरी है, जैसे कि हमारी जुबान बोलना और पढ़ना। सीखोगे ना यहूदा? जैसा आपका हुक्म चाचा जान। यहूदा को इसके कमरे में ले जाओ, इसकी नई जिंदगी के लिए इसे तैयार करो। जहां से प्यारी इज़ादोरा, हलब में मेरा कालीन का कारोबार, कभी आपकी तशरीफ आवरी हो तो जरूर आइए। जानते हो मुझे? नहीं जानता। तो हमला क्यों किया? नहीं पता। ये चाहिए तुम्हें? ये लो, ले लो। मुझे मारना चाहते हो ना तुम? आओ मारो मुझे। बहुत हो गया,
देख नहीं रहे टाइटस, ये अपने होश में नहीं है, तशद्दुद की वजह से अपने हवास खो चुका है। चाचा जान रोकिए ये सब, जल्दी करो, या तो मुझे मार दो या फिर मुझे अपना भाई तस्लीम कर लो। भाई? बिल्कुल, तुम्हारा भाई, हम दोनों भाई हैं। भाई? मेरा नाम है टाइटस। अंदर चलो, चले। अगर आज तुम ना आती तो यह जिंदगी जहन्नुम बन जाती। कैसे ना आती मैं अर्तुरुल? तुमसे मिलने के सिवा चारा ही क्या है मेरे पास? पूरी दुनिया जैसे एक हो गई है हलीमा, हमें जुदा करने के लिए एक दूसरे से। तुमने मुझे अपनी मलिका कहा था और मैंने इनकार कर दिया था, मुझे किस अज़ियत का सामना हुआ ये मेरा अल्लाह जानता है अर्तुर। मुझे अपने बाबा और भाई के लिए अपनी कुर्बानी देना पड़ी। अगर तुमने मुझे आजाद कराने की कोशिश की तो तुम्हारा काय कबीला अल अज़ीज़ के ज़ेरे हताब आ जाएगा अर्तुर। सब जानता हूं, वहीं था कल रात में। मैं बाबा के हाथ वाले से इस रिश्ते पर मजबूर हो गई हूं, लेकिन मैं हर किसी और के नाम से मंसूब नहीं हो सकती। खुदा के लिए मुझे उस जहन्नुम से निकाल लो अर्तुरुल। अगर ये न कर सका मैं तो समझ लेना कि तुम्हारा अर्तुरुल मर चुका। तो फिर मैं भी अपनी जान दे दूंगी। अल अज़ीज़ से शादी करने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं अर्तुरुल।
ना मैं सलजूक सल्तनत को बेतौके करूंगी, ना ही तुम्हारा मान तोड़ूंगी। अब तुम जाओ और इन जालिमों से बचाओ अपने कबीले को जाकर। मेरी फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे लिए दुआ को हूं। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा आखिरी सांस तक। हलीमा, एकल अजीज ही क्या, पूरी दुनिया भी चाहे तो नहीं छीन सकती तुम्हें मुझसे, ना तो मैं हवाले करूंगा इनके, ना इन जालिमों को यह इजाजत दूंगा कि ये जुल्म ढाएं सब लोगों पर। मेरा वादा है तुमसे, जरूर वापस आऊंगा। अलाजीज बहुत धूमधाम से ये शादी करना चाहता है, तब तक वक्त है हमारे पास अर्दुरुल। जनाब, अंदर ज्यादा लोग मौजूद हैं, आज मामूल से ज्यादा रोटियां मंगवाई गई हैं। ये लो, ऐश करो आज। बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। बाबा, हायमा खानम सुबह से भूखी है, उनसे कहें कुछ खा ले। दुनदार की फिक्र में खाने पीने का होश ही नहीं उन्हें। कहता हूं बेटी, लेकिन मुझे उसके दिल की हालत बहुत अच्छी तरह से पता है। कितनी ख्वाहिश थी कि नई सरजमीन पे आबाद होते ही अर्थरुल और तुम्हारी शादी कर देंगे। क्या क्या ख्वाब देखे थे कि अपने पोते पोतियों को गोदों में खिलाएंगे। आप परेशान ना हो बाबा, अल्लाह सब कुछ बेहतर कर देगा। ये आजमाइशें जल्द खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। बेटी, इंशाल्लाह। Thank you.
ये तो महज शुरुआत है, तुम्हारा बुरा वक्त तो आना भी बाकी है। वो तुम सबको मार डालेंगे। अगर हमें मार देंगे तो जान तुम्हारी भी नहीं बचेगी अफ्तालिया। तुम्हें इतनी आसान मौत नसीब नहीं होगी। फरियाद करोगे मौत के लिए, तुम्हारी चीखों से गूंज उठेगा हलब का कोना कोना। और वो जिनकी तुम गुलामी करती आई हो आज तक, वो कैसे मारेंगे तुम्हें? ये सोचा है तुमने? क्या लगता है तुम्हारी मौत बहुत खामोशी से हो जाएगी? बोलो, कैसी मौत चाहिए तुम्हें अफ्तालिया? अर्तुरुल, बस करो, वक्त आन पहुंचा है। क्या अर्तुरुल भी अंदर है? हाँ वो है। तुम यहीं रुकना टाइटस। नासिर, आइंदा मुझे सिखाने की कोशिश मत करना, याद रहे। ये दरगाह अलाजीज के लिए बेहद काबिल एहतराम है, और इब्नुल अरबी इससे भी ज्यादा। इस वक्त तमाम मेरे साथी मेरे साथ हैं, और तुम्हारा लाया हुआ सोना भी। क्यों ना दरगाही को आग लगा दी जाए लोगों समेत? इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। बाकायदा शादी की तकरीबात से कबल मैं हलीमा को अपने निकाह में लेना चाहता हूं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मत करना ये। तुम्हारे कबीले और अपनी सल्तनत को इस खतरे से बचाने के लिए आपस में हाथ मिला लें हम। मेरे परवरदिगार अर्तुरुल को हिम्मत दे कि वो मुझे इस कैद से आजाद करा दे।